इस दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी सहित सभी जवानों को श्रद्धांजलि दी। बजरंग दल ने पूर्वी दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर इलाके के बद्रीनाथ मंदिर के प्रांगण में शौर्य दिवस के उपलक्ष्य पर पथ संचालन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए जनरल बिपिन रावत उनकी पत्नी सहित सभी जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और क्षेत्र में मार्च भी किया। कार्यक्रम में शामिल हुए विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने बताया कि बजरंग दल ने अपने स्थापना दिवस के 37 सालों में जो देश और धर्म सेवा में काम किए हैं, उस कार्य को एक स्मरण करने और नई पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए पथ संचालन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। युवाओं में वीरता और साहस बढ़ाने का कार्य बजरंग दल कर रहा है। बजरंग दल ब्लड डोनेशन कैंप जैसे सेवा कार्यों में भी जुटा है। इस कार्यों को बजरंग दल और विस्तार देगा। राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि बजरंग दल ने यह फैसला किया है कि वह धर्मांतरण के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू करेगा। घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा कि कैसे लालच देकर कुछ असामाजिक तत्व धर्मांतरण करने में जुटे हैं। बजरंग दल के पदाधिकारी धर्मेंद्र सिंह चौहान और दीपक सिंह यादव ने कहा कि दिल्ली में बजरंग दल के कार्यों को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा और नए युवाओं को बजरंग दल में जोड़ने का कार्य किया जाएगा। शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में बजरंग दल ने जो पथ संचलन का कार्यक्रम रखा है, उस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य जो है, बजरंग दल को आज 37 वर्ष हुए हैं लगभग, उस 37 वर्षों में बजरंग दल ने अनुशासन और देश धर्म के लिए जो कार्य किए हैं, उन कार्यों को स्मरण करते हुए आज CDS बिपिन रावत जी को भी श्रद्धांजलि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दी है। इस श्रद्धांजलि के बाद में अभी बजरंग दल के कार्यकर्ता सभी पथ संचलन करेंगे और जो गीता जयंती 1992 के दिन बाबरी ढांचा का ध्वस्त हुआ था, उस शौर्य दिवस के कार्यक्रम को प्रतिवर्ष बजरंग दल मनाता है। इस बार ये कार्यक्रम हमने एक सप्ताह तक मनाने का तय किया है, क्योंकि गीता जयंती उस दिन थी, हम गीता जयंती को ही शौर्य दिवस मनाते हैं। तो इस बार देश भर में बजरंग दल के कार्यकर्ता पथ संचलन का कार्यक्रम कर रहे हैं और जनता में शौर्य वीरता और धर्म के प्रति समर्पण और राष्ट्रीय भाव जागरण करने के लिए सेवा सुरक्षा संस्कार का मंत्र लेकर के बजरंग दल आगे बढ़ता है और युवाओं के अंदर वो साहस और वीरता आए, इसीलिए बजरंग दल कार्य करता है। बजरंग दल के सेवा कार्यों के बारे में भी आज विस्तार से चर्चा हुई है कि जिस तरह से बजरंग दल ने चाहे ब्लड डोनेशन कैंप हो या अन्य प्रकार के सेवा के कार्यों का बजरंग दल विस्तार करें। नाम धर्मेंद्र सिंह चहल है और ये दीपक सिंह यादव है, ये इस बजरंग दल को बहुत बड़ी संख्या में यहाँ से बनाने वाले हैं और जो अभी अभी हमारे वरिष्ठ ने बोला है उनके पदचिन्हों पर चलकर ये इस काम को पूरा करेंगे। दीपक जी, आपने कार्यभार संभाला है तो क्या आप अपने बजरंग दल को कहाँ तक लेके जाएंगे, क्या क्या काम करेंगे आप इसमें? बजरंग दल के सारे काम करेंगे, जो बजरंग दल के सारे काम हैं और बहुत ऊपर तक लेके जाएंगे। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।